74। आज का शुभ संदेश जीवन आयुष्य कर्म के अधीन है। देखिए आजकल हम यात्रा करते हैं तो हम चिंता रिटर्न टिकट की ज़्यादा करते हैं कि हमारे को उस दिन जो है वो वापस लौटना है, क्योंकि जाने का रिजर्वेशन तो हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से व्यक्ति रिटर्न टिकट भी अपना साथ लेके आता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने जो ही जन्म लिया, यह जन्म पूर्व जन्म के अंदर जितना जितना हमने आयुष्य का बंद किया था, उसके अनुरूप जो आयुष्य के अधीन ये पूरा जीवन बनता है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, जितने जितने सालों का आयुष्य होता है वो सांसों में कन्वर्ट होता है। तब कहा जाता है जब तक सांसा तब तक आशा, और वो सांसें जब पूरी हो जाती है, आयुष्य पूरा हो जाता है, तो हम एक अतिरिक्त सांस नहीं ले सकते। डॉक्टर कहता नाउ ही इज़ डेड, और हम जला दिए जाते हैं। ये तो आयुष्य हम पूर्व में लेके आते हैं। अब हमें जब तक मुक्ति को नहीं जाएंगे तब तक ये हमारा पुनरावर्ती पुनर्जन्म होता रहेगा। तो इस जन्म के अंदर हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमारी अच्छी भावना रहेगी, अच्छे भाव रहेंगे, तो अच्छे भावों के कारण हमारा आयुष्य का बंध भी अच्छी गति का होगा, हमारा देव गति का होगा या मनुष्य गति का होगा। तो हमको अपने अच्छा अगला जीवन अच्छा मिले तो हमें चिंतन, हमें नींव लगानी चाहिए कि मुझे तो मुक्ति को जाना है। और आज मुक्ति प्रदाता सिमंदर स्वामी भगवान माँ विदेह क्षेत्र में विराजमान हैं, तो हमेशा भावना भाओ कि सिमंदर स्वामी भगवान मुझे आपके चरणों में बुलाओ, मुझे मुक्ति जाना है।